ऑल राइट मैं वेलकम करना चाहूँगी सुलजा फिरोदिया को. सुलजा बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए एंड रियली वेलकम ऑन द शो. सबसे पहले हम आपसे बहुत समय के बाद बात कर रहे हैं, बट आई नो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अभी खास फोकस दिखा रहे हैं. आपकी कंपनी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ डेवलपमेंट्स किए हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए. एक तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो कंपनीज में अब जो एक इंटरेस्ट हुआ है, आपकी कंपनी ने ग्रीन पर फोकस करते हुए टू एंड थ्री व्हीलर स्पेस में पर्टिकुलरली बहुत खास इंटरेस्ट दिखाया है. यू आर लीडिंग इट ऑफकोर्स फ्रॉम द फ्रंट. कैसा आगे आउटलुक दिख रहा है और क्या है प्लान्स अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो? स्वाति, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सालों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो इट्स वंडरफुल टू गेट कनेक्टेड अगेन. यस, and good initiative to have this program near International Women's Day. So congratulations. Thank you. जैसे कि आप जानते हैं, Kinetic Group ये भारत की एक जानी मानी ऑटोमोटिव ग्रुप है और हमारे ग्रुप में काफी अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग एरियाज में फोकस करती है. जैसे Kinetic Engineering है जो ऑटोमोटिव सिस्टम्स, पावर ट्रेन सिस्टम्स में फोकस करती है, इंजन्स, ट्रांसमिशंस. वैसे ही एक ग्रुप कंपनी हमने बनाई है Kinetic Green, जिसकी मैं फाउंडर और CEO हूँ. और ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रही है. ईवी इसका एक वी आर वन ऑफ द पायनियरिंग कंपनीज इन द सेक्टर. और जो Kinetic Green है वो OEM कंपनी है, वो आज भारत की लीडिंग इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और टू व्हीलर कंपनी बन गई है और काफी हम इसमें एक्साइटिंग काम कर रहे हैं. और जो बाकी ग्रुप कंपनी जैसे Kinetic Engineering है, वो इस कंपनी को ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, एक्सल ये भी सप्लाई कर रही है. और बाकी कंपनियों ने भी ईवी में ऐसे ही जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्ट करके उसके अलग अलग पार्ट्स और आई वुड से इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने का भी एक एफर्ट हम लोग कर रहे हैं. तो आप सब जानते हैं कि भारत का और पूरी दुनिया का ऑटोमोटिव सेक्टर का फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं है और ये कस्टमर्स के लिए किफ़ायती भी है. आज पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर चले गया है और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से हमारी भारत की पोल्यूशन भी कम होगा, हवा भी बहुत अच्छी सुधर जाएगी और लोगों का जो खर्चा है ईंधन के ऊपर वो भी कम होगा. तो जो फ्यूचर है, आने वाला जमाना है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है. और Kinetic ग्रुप बहुत इसमें अच्छा काम कर रही है और वी वुड बी वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप्स इन दिस सेक्टर इन द कमिंग इयर्स. बिल्कुल, आप यहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप. यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द स्पेस और उसके ऑफकोर्स फायदे जो आपने बताए वो तो है ही. अब थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहेंगे, Kinetic Engineering और Kinetic Green एग्जैक्टली क्या प्लान्स है मैम इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स दैट यू आर लुकिंग एट? क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंशन करना है, आप प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो, तो थोड़ा सा डिटेल में हमें स्पेल आउट करेंगे एग्जैक्ट प्लान्स क्या हैं. टू एंड थ्री व्हीलर चैसी तो आप कर ही रहे हैं, कंप्लीट गियर बॉक्सेज यू आर सप्लाइंग टू Kinetic Green इफ़ आई टॉक अबाउट Kinetic Engineering, बट कैपेक्स क्या है और ये दोनों कंपनीज इवेंचुअली किस तरह से इमर्ज होके आएंगी, ओवरऑल ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड क्या प्लान्स हैं और कैसे उसको फंड करेंगे? ओके, जरूर. सो Kinetic Engineering एक हमारे ग्रुप की लीडिंग कंपनी है. तो पहले इसका जो बर्थ हुई थी दैट वाज मेकिंग ऑफ लूना, और जब लूना बनी थी तब भारत में काफी सप्लाई चेन कम था, तो इस कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट्स करके गियरबॉक्स, गियर शाफ्ट, इंजन, मशीनिंग कैपेबिलिटीज अपने आप के लिए डेवलप की हुई है. और इसी टेक्नोलॉजी को हम आज लीवरेज करके अलग अलग कंपनियों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम्स, पावर ट्रेन सिस्टम्स Kinetic Engineering में बना रहे हैं. और जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव वर्ल्ड इज इलेक्ट्रिक, सो Kinetic Engineering इज नाउ एम्बार्क्ड अपॉन अ मैसिव एक्सपेंशन प्रोग्राम टू मैन्युफैक्चर, डेवलप एंड सेल एक्सल्स फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, gearboxes for electric three wheelers and two wheelers, chassis for electric three wheelers and two wheelers. And I'm proud to say that the company has made good progress. So not only Kinetic Green, but काफी अलग अलग कंपनियों को हमने इस चीजों का सप्लाई करना शुरू कर दिया है. और ये अहमदनगर प्लांट में ही बनेगा ये जो एक्सपेंशन है. और कंपनी का ये प्लान है कि अगले 5 सालों में 50 या 70 करोड़ के बीच में इसमें इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होगी. कंपनी का पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है. जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स होंगे दैट विल बी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एक फोकस है गवर्नमेंट का, वो भी टू और थ्री व्हीलर के ऊपर ही है, बिकॉज 80% ऑफ पीपल इन इंडिया राइडिंग टू एंड थ्री व्हीलर्स. सो अगर हम लाखों इलेक्ट्रिक टू और थ्री व्हीलर्स बनाए, सो दैट विल गिव द स्केल टू दिस सेक्टर एंड ऑल्सो टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर आवर सिटीजंस. श्योर, इसी सेक्टर में KEL फोकस कर रहा है.
ओके, बट अगर मैं बात करूँ काइनेटिक ग्रीन जिसके आपने चर्चा की एंड ऑफकोर्स यूर लीडिंग इट, ग्रुप की इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म है, किस तरीके की सेल्स और रेवेन्यू पोटेंशियल डू यू सी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? ऑल्सो किस तरीके के टाइप्स आप देख रहे हैं, किन कंपनीज के साथ बातचीत कर रहे हैं? बिकॉज आई थिंक इको सिस्टम पूरा बिल्ड हो रहा है, लॉट ऑफ कंपनीज नीड दैट टेक्नोलॉजी, और आप कहाँ से टेक्नोलॉजी सोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी हमें बताइए। सो काइनेटिक ग्रीन, जैसे मैंने कहा, हमारे ग्रुप की इलेक्ट्रिक व्हीकल और ओईएम कंपनी है, और इसको हमने एक प्योर प्ले ईवी करके शुरू किया है। मींस इट इज मेड विद एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, अ कंप्लीटली न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, कंप्लीटली न्यू टीम, कंप्लीटली न्यू माइंडसेट एंड कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी जो हमने इसमें जिस पर जोर दिया है वो ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया फोकस, ये हमारा रहा है। और हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में थ्री व्हीलर्स यानी ई रिक्शा, ई कार्ट और अभी L5 ई ऑटो, इसलिए पूरी एक रेंज मार्केट में लाई है। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, आई एम प्राउड टू से कि 100% जो सप्लाई चेन है वो भारत की बनी हुई है, 100% आईपी जो है जो काइनेटिक ग्रीन के पास ही है। तो हम एक बहुत उसको एक लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के, इंडियन रोड कंडीशन को ध्यान में रख के हम ये व्हीकल्स बना रहे हैं, और ये पूरी फेम इंसेंटिव को भी ये व्हीकल्स आर क्वालिफाइंग फॉर इट। तो एक मेक इन इंडिया पे हमने जोर दिया है कि भारत के लिए गाड़ी बने, भारत में गाड़ी बने। एज फार एज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को, जिसमें हमने पिछले साल ही एंटर किया है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और मेरे ख्याल में टू व्हीलर्स का जो सेगमेंट है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जोर पकड़ेगा। और आज भी ये सिचुएशन है कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में आ रहे, टू व्हीलर्स देख रहे हैं, परख रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन दिस सेक्टर। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, 2.5 करोड़ टू व्हीलर यहाँ पे दिखती है, और अगले 10 सालों में मेरे कम से कम 50% इससे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे या ज्यादा भी हो सकती है। तो टू व्हीलर हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी रही है, हमने इसमें भी मेक इन इंडिया पे फोकस किया है, बट वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। वी हैव रिसेंटली टाइड अप विद अ कंपनी कॉल्ड एमआर टेक, जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है। उन्होंने 50 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाए बेचे हैं, उनके पास 900 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के पैटर्न्स है। विद दिस कंपनी वी हैव डन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एंड वी आर को डेवलपिंग मॉडल्स फॉर इंडिया, सो द सप्लाई चेन विल बी लोकल बट द डिजाइन विल बी ग्लोबल। और हम इस टाइप के थ्रू नए प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में लाएंगे। सो काइनेटिक विल नॉट ओनली हैव होम ग्रोन टू व्हीलर्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी टू व्हीलर्स। और हम टू व्हीलर्स में एक ई लूना भी ला रहे हैं इस साल, जो मेरे ख्याल से इसको लेके मार्केट में काफी एंटीसिपेशन है, बिकॉज लूना एक बहुत ही लव्ड प्रोडक्ट हमेशा से रहा है जी। और उसको हम अवतार में लाएंगे, तो आई थिंक इट विल बी आल्सो अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट फॉर डिलीवरी फॉर मास कम्यूट, छोटे शहरों में तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कुछ रेंज ऑफ व्हीकल्स हैं जो आप लेकर आएंगे, एक तो इंडियन मेड तो है ही, साथ में आपने जो टाई अप की इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, उनके साथ ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी आएंगे, और लूना इसी साल, इलेक्ट्रिक लूना आप इसी साल लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा हमें अंदाजा देंगे मैम, ये टाइमलाइंस ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी विल सी रोलिंग आउट फ्रॉम योर स्टेबल, और ये कैसे मार्केट होंगे एग्जैक्टली? इसके लिए आपको एक न्यू चेन सेटअप करनी पड़ेगी फॉर फॉर पीपल टू कनेक्ट, या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप करेंगे? द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यू हैव टू देन मेक अकॉर्डिंगली फ्रॉम द मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंड पॉइंट, वो क्या होगा, उस पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? श्योर। सो काइनेटिक ग्रीन हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट डीलर नेटवर्क। काइनेटिक ग्रीन के ऑलरेडी 2-3 व्हीलर्स के लिए 150 डीलर्स बने हुए हैं, और टू व्हीलर्स के लिए करीब करीब 200 डीलर बने हुए हैं। और इस ये जो एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स है टू व्हीलर की, वो हम 200 से 500 पे ले जाएंगे 2 सालों में, और 1000 पे लेके जाएंगे 5 सालों में। तो काइनेटिक ग्रीन विल प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे देश में, और सारी जो रेंज है वो ये डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू हम कस्टमर्स के पास लाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रहेगा ई कॉमर्स के लिए, लेकिन जो मेरा मानना है कि जो छोटे शहर है, जो कस्टमर्स है, उनको शोरूम और सर्विस ये दोनों से काफी सुविधाएं मिलेंगी। तो हम छोटे शहर में पहुंचने के लिए डीलरशिप नेटवर्क पे भी जोर दे रहे हैं, नॉट ओनली ऑनलाइन सेल्स। और जो काइनेटिक ग्रीन का एक फोकस है, ग्रीन मोबिलिटी फॉर मासेस, तो वी विल ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी बट एट अफोर्डेबल प्राइसेस, सो दैट कस्टमर्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स बट अफोर्डेबिलिटी एंड विद गुड सर्विस एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। तो हमने ऑलरेडी मार्केट में 4 मॉडल्स लाए हैं, दो वेरिएंट्स, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वे सेलिंग अराउंड 4000 टू 5000 व्हीकल्स पर मंथ ऑलरेडी इन 6 मंथ्स फ्रॉम लॉन्च। इस साल बाय जुलाई वी विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ ई लूना,
and by October we will bring two new scooters from the Amatec tire. So we'll have a full range of products from eLuna, let's say as the most affordable venture, to high performance e-scooter with 85 top speed, 150 kilometer range, with a completely new technology platform at around 1 lakh rupees. So we will focus on products between 40,000 to 95,000, which is in the affordability range for the customers. और जो कनेक्टिक का हमेशा डीएनए रहा है कि नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की रीच, विद इन देयर रीच. ओके, बिल्कुल. एंड आई थिंक आपने ये प्रूफ पहले किया हुआ है, सो कस्टमर्स को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है. काइनेटिक होंडा, जैसे मैंने बोला, आइकॉनिक ब्रांड रह चुका है और आप ही ने उसको लीड किया था. तो अब जो एक आप न्यू अवतार में इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, उसमें भी खासा लोगों का इंटरेस्ट होगा. इनफैक्ट जो आपने बात कही, एकदम प्राइस पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग रखा है, विद इन द रीच ऑफ कंज्यूमर्स, नॉट ओवर अ लैक ऑफ रुपीज़, उसके अंदर ही आएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है मैम. इनफैक्ट काइनेटिक इंजीनियरिंग में अगर आप देखिए, इस वक्त ऑलमोस्ट 5% ऊपर स्टॉक ट्रेड करा है, एज वी आर टॉकिंग टू द मैनेजमेंट. तो क्लियरली समझ रहे हैं लोग बिजनेस प्लान्स ऑफ काइनेटिक इंजीनियरिंग एंड काइनेटिक ग्रुप ओवरऑल इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस. मैम मैं बात कर रही थी आपसे, अब बैटरी स्वॉपिंग जो एक सरकार ने एक पॉलिसी अनाउंस की है बजट में, पूरा इकोसिस्टम ईवी का आप कैसे देखते हैं वो चेंज होगा? और ऑब्वियसली आपका भी इस एरिया में इंटरेस्ट होगा, सो टेल अस व्हाट एग्जैक्टली विल यू बी डूइंग इन दैट स्पेस. सो आई एम अ बिग बिलीवर इन बैटरी स्वॉपिंग. मेरे ख्याल से जो भारत का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे वी हैव हंड्रेड्स ऑफ अर्बन सेंटर्स जो एक कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में है, जहाँ पे यू नो विद इन अ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरियाज देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड यू नो द अर्बन कॉन्सेंट्रेशन. इसमें जो छोटे वाहन है, जैसे छोटे वाहन है, 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, इसके लिए बैटरी स्वॉपिंग काफी यूजफुल हो सकता है. बैटरी स्वॉपिंग में क्या होगा कि जो आप जब आप जैसे इंजन की व्हीकल खरीदते हो, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, आप पहले व्हीकल खरीदते हो और हर रोज आप पेट्रोल भरते हो. लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो बैटरी के साथ, तो आप व्हीकल भी खरीद रहे हो और साथ में 3 साल का फ्यूल भी खरीद रहे हो, क्योंकि बैटरी व्हीकल के साथ आती है. तो इसकी वजह से आपके व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आप पहले 3 साल का पेट्रोल खरीद रहे हो, जैसे फ्यूल खरीद रहे हो. अगर आप व्हीकल बैटरी स्वॉपिंग प्लेटफॉर्म पे खरीदो तो आपको ये बैटरी नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो आपकी जो व्हीकल है वो इंजन व्हीकल से काफी सस्ती हो जाएगी. यानी जैसे समझिए इंजन स्कूटर 90,000 का मिलता है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर विदाउट बैटरी आपको 55-60 हज़ार में मिल जाएगा, उतने ही अच्छे क्वालिटी का. और जो पेट्रोल की जगह आप पेट्रोल के स्टेशन की जगह बैटरी स्टेशन में जा सकते हो टू टेक अ न्यू बैटरी एवरी डे और एवरी अदर डे, जैसे आपका चार्ज खत्म हो, तो बैटरी कैन गो टू अ पेपर यूज बेसिस. ओके. और मुझे लगता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है, BPCL, IOCL, IGL, इनके पास ऑलरेडी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है पेट्रोल स्टेशन का, वहां पे बैटरी स्वॉपिंग स्टेशन आसानी से आ सकती है और कस्टमर स्टेशन से पेट्रोल के जगह बैटरी ले सकते हैं ऑन अ पेपर यूज बेसिस. और काफी नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर द कस्टमर्स. व्हीकल की कॉस्ट कम हो जाएगी और कस्टमर को बैटरी चार्जिंग का झंझट भी नहीं रहेगा. ओके. अगर मैं आपसे पूछूं किस तरीके की एक्सपेंशन होगी कंपनी की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन नंबर्स, क्या नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द फर्स्ट फेज? अभी आपने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, आपने कहा आगे पाइपलाइन है पूरे प्रोडक्ट्स की, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्लांट जो सेटअप करेंगे जहां से रोल आउट होगा उसमें कितना खर्चा हो रहा है और क्या एक्सपेंशन कैपेसिटी की नंबर है जो दैट यू कैन टेल अस? Sure. So Kinetic Green feels that we are at an inflection point. और कंपनी ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, 500-600 करोड़ के ऊपर टर्नओवर किया है, 50-60 हज़ार व्हीकल्स बेची है. तो अभी जो हम है, we are going to take a giant leap in the growth. हमने ये decide किया है कि 2022-23 यानी जो अभी साल आएगा उसमें हम कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ पे लेके जाएंगे और वहां से आगे हम इसको बढ़ा के 7000 करोड़ पे लेके जाएंगे अगले 4 सालों में. तो एक 70% CAGR जो अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेक्टर का भी बनने वाला है उस हिसाब से हम ग्रो करेंगे. एंड वी आर सेटिंग अप अ कैपेसिटी ऑफ 5 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स अ ईयर एंड 1 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स अ ईयर जो अहमदनगर और सुपा में बन रही है, जिसके लिए हमने नया प्लांट भी खड़ा किया है. और कंपनी कैपेसिटी, R&D, टॉप प्रोफेशनल्स, इस सभी चीजों पर ध्यान देके इस ग्रोथ प्लान पे बहुत अच्छे से अग्रेसिवली काम कर रही है. तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है पूरे सेक्टर को, काइनेटिक ग्रीन को, टू बिकम अ लार्ज स्केल प्लेयर, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास ये अच्छा ब्रांड भी है.
ओके ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सुलजा फिरोजिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके के कंपनी के प्लान से इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में खासा क्या फोकस होगा आगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद।